करने जा रहे हैं वो भी किताब की तकरीबे रुनुमाई है। किताब का उन्वान आपके सामने है और मैं पढ़ भी देती हूँ। आ रिबेल एंड हर कॉज, द लाइफ एंड वर्क ऑफ रशीद जहाँ बाय रक्षंदा जलाल। मुकर्रीन जो स्टेज पर आपके सामने मौजूद है, रितु मेनन साहिबा, कामरान अजदर अली, जायदा हिना साहिबा। प्रोग्राम की मॉडरेटर हैं कौसर एस खान साहिबा, नुमाया वकील हैं, औरतों के हकूक और उनकी बहाली के हवाले से भी बहुत काम करती रही हैं। इस वक्त आगा खान यूनिवर्सिटी के शोभा कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज की फैकल्टी मेंबर भी हैं। 25 साल से कराची और देहाती इलाकों की खवातीन की सेहत के लिए भी काम करती रही हैं। मॉडरेटर हमारी कौसर एस खान साहिबा होंगी। प्रोग्राम हमारा 30 मिनट्स के दौरानिए का है। आखिरी 5 मिनट के का वक्त आपको दिया जाएगा कि आप अपने सवाल अगर कुछ पूछना चाहें हमारे शराकात से तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दरख्वास्त आपसे मेरी ये होगी कि अपने मोबाइल फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर उसे साइलेंट मोड पे कर दीजिए। आपकी खामोशी, आपका तआवुन मुझे दरकार है। उम्मीद है कि ये मुझे पूरे 30 मिनट्स के दौरान आपकी तरफ से हासिल रहेगा। जनाब कौसर एस खान साहब, हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। शुक्रिया। और क्योंकि कुल 30 मिनट है हमारे पास तो हमने सोचा कि ज़्यादा तमीद नहीं बांधते और शुरका को मुख्तसर आपके साथ मुतारफ करा के फिर शुरू कर देते हैं। और वो लोग जिस ज़बान में चाहें बात करें, रशीद जहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे नुमाया बात हम सिर्फ सामने ये रखेंगे कि जो तीन अल्फाज उनकी कब्र पे लिखे हुए हैं, राइटर, डॉक्टर, कम्युनिस्ट, ये जो तीन चीज़ें मिलती हैं तो उससे उनकी अपनी एक शख्सियत उभरती है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि इन तीनों के तवसुत से हम रशीद जहाँ को समझें, पहचाने और देखें वो आज भी क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऋतु से। ऋतु मेमन, आप लोगों ने सबसे पहले उनकी किताब छापी और तो कुछ बताइए कि कैसे चुनाव किया, क्यों ये ख्याल आया कि इनको एक पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। I'll speak in English, if that's all right. सबसे पहले तो ये कि दिस इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ राशिद जहांज उर्दू राइटिंग, सो इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एज अ कलेक्टेड कलेक्शन ऑलमोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट ऑल्सो हैज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू प्लेज दैट शी रोट, विच आर एक्चुअली क्वाइट रिमार्केबल। बट आई विल आंसर योर क्वेश्चन फर्स्ट। वी हैव बीन ट्राइंग इन आवर पब्लिशिंग टू पब्लिश एज मच एज वी कैन इन ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू by women writers for at least 20 or 30 years. So we have done anthologies of stories by women. We have translated almost published in translation almost all of Isma Chughtai, a great deal of Kurtal and Haider. And so you know, Rashid Jahan was almost like inevitable, but for two or three reasons. One of course is that she was part of the progressive writers movement, and along with Isma Thapa, a very sort of a very vocal and a very active member of the progressive writers movement. But she was also a member of the party, of the Communist Party, and so for her, unlike Isma Thapa, unlike any apa, for her, her writing was very much a part of her political work. मतलब वो अपने आप को राइटर नहीं कहलाती थी बिल्कुल भी। हर राइटिंग वॉज अ क्लियर मीडियम फॉर हर पॉलिटिक्स, बट इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ डिलिबरेट वे। सो ऑब्वियसली चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, शी वॉज ऑल्सो, आई मीन शी कॉल्ड हर सेल्फ अ कम्युनिस्ट, बट एक्चुअली शी इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर शी वॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन माई व्यू अ फेमिनिस्ट, बिकॉज द काइंड ऑफ इशूज शी चोज टू राइट अबाउट हैड रियली नॉट बीन रिटन अबाउट अर्लियर। She became in many ways an inspiration for Isma Thapa, who used to say in fact that if it had not been for Rashid Jahan having raised certain issues in her writing, in her stories, it would have been difficult for writers like Ismat to follow. This book, I won't take too much time. This book is a little unusual for us because for the very first time, it combines a biographical and literary sketch of the writer and includes translations. This is not common. You either have a sort of critical work or you have the fiction. You don't normally combine the two things. But
because it is very, very important to see and read Rasha Jahan in her context, it seemed to be the best way, actually, to present her work. There have been sort of, and I'm sure that Kamran and Zahid Apa will talk about it, there have been discussions about whether you can consider Rasha Jahan a stylist. Is she literary? Would she be considered a literary writer in the way that we think of Isma Chughtai and Kurtalan Haider and many, many others? And that question and that discussion continues. And the important thing is to see that she actually, she took to fiction, she took to writing as the medium through which she could further both her political as well as her professional preoccupations. It was because she was a doctor that she was able to write about women's bodies the way she did, about their reproductive health, their sexual health, and so on. It is from that point of view that she chose to focus on all of this. So it was important for us to put the two things, her writing life or her writing work and her professional work in the same sort of, on the same plane, so to speak. I have to say that the book has been, it's in many ways a kind of first, if you like. Not just the first English translation of most of Rasha Jahan's work, the first collection, but also the first sort of properly critical biographical sketch of her in relation to the writing. Thank you, Ritu. I think this is a wonderful introduction, because we need to, a lot of us who are not that linked with Urdu literature may not have known of her. And I think this introduction is marvelous to in a way, reclaim for us an icon who will galvanize a lot of people who combine. This is a very rare combination. Her politics being lived out in her literary work as well as being part of the... But I think in order to really see her as a literary person, because in that, as you say, she's representing ideas, she's representing issues that politically she picks up as a communist. So, usme pe Zahida Hina se behtar kaun hoga? Aap taaruf ke koi usme kis tarah muhtaj nahi. To Zahida Hina se ke wo kuch zikr kare ke wo kis wo kaise dekhti hain angara wali kehlati hain ye Rashid Jahan. To unka kya maqam, kya kaun? Ha, Ritu ko ek to main bahut mubarakbad dungi ki un logon ne itni achhi kitab मरतब की और उनको अंग्रेज़ी में सामने लेके आईं, चूँकि उर्दू वाले तो उनसे कम से कम मेरी नस्ल तक के लोग उनसे वाकिफ़ हैं, नई नस्ल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती. लेकिन ये है कि मुझे अफसोस इस वक्त इस बात का हो रहा है कि रक्षिंदा यहाँ मौजूद नहीं है, चूँकि ये सारा काम जो है, ट्रांसलेशन जो है और उसके अलावा इसका जो असेसमेंट है वो रक्षिंदा जलील ने किया है. इससे पहले उर्दू में काफ़ी हो चुका है लेकिन अंग्रेज़ी में नहीं हुआ है. रशीदा आपा, हम उन्हें कहते हैं, रशीदा आपा ने जो अदबी वो मुहैया किया, यानी पहली मर्तबा किसी औरत लिखने वाली ने न सिर्फ ये कि नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, तो हाँ मेरी आवाज़ कमज़ोर है. रशीदा पर की आवाज़ कमज़ोर नहीं थी, हाँ बिल्कुल नहीं थी, और उन्होंने अपनी जो उनकी महारत थी तिब के शोबे में उसको इस्तेमाल किया, अपनी जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की कमिटमेंट थी उसे इस्तेमाल किया, और वो एक आइकॉन के तौर पे सामने आई. यानी ये वो हैं रशीदा आपा कि जब फैज़ साहब अमृतसर में उनसे मिले और इश्क आशिकी की शायरी करते हुए मिले, तो उन्होंने कहा मियाँ ये तो बहुत लोग कर लेते हैं और सभी कर रहे हैं, तुम ज़रा किसी और तरफ भी देखो. तो ये एक हकीकत है कि फैज़ साहब की शायरी में जो जिस तौर सियासत आई, और जो उनकी मशहूर नज़म है कि मुझसे पहली से मोहब्बत मेरी महबूब ने मांग,
ये नज़्म एक तरह रशीद आपा की देन है, और उसके बाद जो उन्होंने 1935 और 1936 में राइटर्स प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का जो परचम उठा के ये लोग चले, सज्जाद ज़हीर साहब और रशीद आपा, तो ये रशीद आपा ने बहुत बड़ा एक काम किया, इसलिए कि वो औरतों की तरफ से भी लड़ी, वो लिखने वालों की तौर लिखने वाले के तौर पर भी उनका पूरा एक कंट्रीब्यूशन रहा, और एक कम्युनिस्ट के तौर पर भी वो बिल्कुल खुल के सामने आई, और उससे उन्होंने किसी किस्म की वो नहीं की कि जैसे लोग आनाकानी करते हैं कि नहीं जी हम तो बस प्रोग्रेसिव हैं हम, लेकिन नहीं, वो प्रोग्रेसिव नहीं थी, सिर्फ वो कम्युनिस्ट थी, और इसी इन्हीं चक्करों में वो जेल गईं, जेल जाकर उनकी सेहत ख़राब हुई। इस बारे में जो सबसे अच्छा लिखा है और सबसे ज़्यादा तफसील से लिखा है वो हाजरा बेगम ने लिखा है, जो उनके साथ जेल में थी, और उन्होंने ये लिखा है कि वो जेल में एक तरफ तो लोगों को अदब की तरफ रागिब करती थी ख़वातीन को, दूसरी तरफ जो वहाँ ख़वातीन कैद थीं उनकी सेहत की उन्हें कितनी फ़िक्र रहती थी, और दूसरों की सेहत की फ़िक्र करते हुए वो ख़ुद जो हैं बड़ी मुहलिक बीमारियाँ लगा बैठी, और इसी में उनकी जान गई, और वो 40-42 की उम्र पाके और वो चली गई, हमसे रुख्सत हुई। उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि इसमें चुगताई जैसी लिखने वाली ये कहती है कि अगर रशीद आपा नहीं होती तो हम भी नहीं होते। तो ये जो सन है 2015, ये इसमें चुगताई का की सेंटेनरी है, उनकी शताब्दी है, और इस हवाले से अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक, जिसे कहना चाहिए, बहुत ही सुनहरा लम्हा मैं कहूँगी कि इसमें रशीदा आपा को भी याद किया जा रहा है, और रशीदा आपा का क्या लिंक रहा इस्मत आपा से, और इस्मत आपा ने फिर उनका पैगाम किस तरह आगे पहुँचाया वो सामने आता है। इस किताब में उनकी कुछ अफसाने हैं जो तर्जमा हुए हैं, उनके दो एक्ट के दो सिंगल एक्ट प्ले हैं, लेकिन मैं तो यही मशवरा दूंगी जो उर्दू वाले हैं यहाँ पढ़ने वाले कि वो रशीद आपा की कहानियाँ उर्दू में पढ़ें, क्योंकि जो काट है ज़बान की और जो लुत्फ़ है ज़बान का वो उनकी उर्दू राइटिंग्स में ही मिलता है, वो उस तरह माजरत के साथ मुंतकिल नहीं हो सका है तर्जुमे में। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन सलमान हैदर का भी है, सलमान हैदर ना, हाँ जी सलमान हैदर का भी है, जो उनकी बड़ी खाला के बेटे, उनके बड़े भांजे थे, उन्होंने बहुत मोहब्बत से लिखा है, और किस तरह वो लोगों को इकट्ठा, बच्चों को इकट्ठा करके उनको आगे की दुनिया के बारे में बताती थीं और दिखाती थीं, उसके बारे में लिखा है, और उनकी जो सारी ज़िंदगी थी वो जिहद करते हुए गुजरी। हमारे यहाँ आजकल जिहाद का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं जिहाद तो नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि जिहद करते हुए गुजरी, और उन्होंने एक ऐसा नक्श छोड़ा है उर्दू की प्रोग्रेसिव राइटर्स की जो मूवमेंट थी, कि जिसके बारे में हम जितना कहें उनका शुक्र अदा करें, और मैं ख़ुद यानी जिसे कहना चाहिए कि हम जब लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं, अगर हम प्रोग्रेसिव हैं तो हम रशीद आपा के नाम को हाथ लगा के करते हैं, जिस तरह एक तरीका है कि अगर आप कोई परफॉर्मेंस करने मंच पे जा रहे हैं तो नंगे पैर होके मंच को हाथ लगाएं, उसे चूमें और फिर आगे बढ़ें। तो रशीद आपा हम सब लोगों के लिए, जो लिखने वाले हैं, जो लिखने वालियां हैं, उनके लिए एक निशाने राह हैं। उसका ज़ाहिदा आपने जो जिक्र किया कुछ इसमें से पढ़ के सुना दें। अच्छा, मेरे के कुछ हमने कहा कि सोचा कि सब लोग कुछ सुने भी कि हाँ, वो हाँ, जरूर मेरा ये ख्याल है कि असदर जो है ना, कामरान थोड़े सा बात करें मैं इसमें से। हाँ नहीं नहीं, उनका भी ठीक है, हम लोग आपस में भी गुफ्तगू कर सकते हैं और राय दे सकते हैं। तो कामरान, हमें लगा था कामरान एक सोशोलॉजिस्ट है, तो जो सोशोलॉजिस्ट का प्रोफेशनली एक होता है कि वो नज़र रखते हैं माशरे पे, वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से किस पे दबाव पड़ रहा है, कौन सी शख्सियात उभरती हैं। तो हमने कामरान से कहा कि थोड़ा सा इस उनके माहौल को देखते हुए और जिस माहौल में से वो उठी, जो उन्होंने अपने असरात
छोड़े या जिन चीज़ों से वो मुतहरक हुई, और उसका कुछ मुवाजना आज के लिए भी करें, क्योंकि हमें बार बार इनकी किताब को उनको पढ़ के लगता है कि वो आज भी बहुत अहम है उस तरह की शख्सियत। तो कुछ इस तरह से ऐसा प्रोफेशनली भी देखें, ज़ाहिर है तुम्हारा लिटरेचर से भी ताल्लुक है, जानते हो इसको, तो ये भी जोड़ा देखें। डॉक्टरी से भी, हाँ डॉक्टरी से, हाँ सॉरी भूल ही गए, पब्लिक हेल्थ में जाके भूल जाते हैं, डॉक्टरी से भी है। चलें, नहीं नहीं वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं देखिए मैं अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में बोलूँगा, लेकिन ये जी एक बात रशीद जहाँ के बारे में जो सबसे ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, लेकिन एक चीज़ भी देखनी चाहिए कि वो कहाँ से आई, किस ख़ानदान से आई। और हम भूल जाते हैं कि जो 19वीं सदी का आखिर का वक्त है और जो 20वीं सदी के शुरुआत हैं, उस वक्त जो है वो खासा जो है वो औरतों की आज़ादी के लिए ख़ास तौर पे कुछ लोगों ने खासा मुतहर्रिक हुए लोग, जिसमें इनके वालिद और वालदा भी थे, और उन्होंने जो है उस ज़माने में जैसे राशिदुल खैरी की इस्मत है और डिप्टी नज़ीर अहमद का भी असर था, लेकिन वो ये जो इन्होंने बाज़ाब्ता शेख अब्दुल्ला, ये वो कश्मीर वाले शेख अब्दुल्ला नहीं है, ये अलीगढ़ वाले शेख अब्दुल्ला हैं, और इनकी बेगम इन्होंने मिलकर वहाँ जो है वो अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज का जो एक गर्ल्स स्कूल बनाया वहाँ पर, और वहाँ पर एक खातून करके रिसाला भी निकाला, जिसमें लोग ये इनकी रशिंदा की किताब में भी है और वैसे भी हम लोगों को मालूम है। अब ये वो दौर है जब अगर आप सन 35-36 में देखिए तो मुसलमान औरतें या लड़कियाँ जो हैं वो इंटरमीडिएट पास 3 या 4 हज़ार से ज़्यादा पूरे बरसगीर में नहीं थी। अब उस माहौल से, और जैसे जो औरतों की तंजीम थी, मुसलमान औरतों की जो तंजीम थी, उन्होंने बाज़ाब्ता ये जिसे हम आजकल बुरख़ा कहते हैं ना, ये जो है उस्मानिया बुरख़ा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, ये गेल मिनो की जी टर्क बुरख़ा, ये उस्मानिया बुरख़ा था जो कि आजकल हम लोग कहते हैं ना शटल कॉक, ये वहाँ से आया था, और ये इसलिए इंट्रोड्यूस कराया ऑल इंडिया मोहम्मदन वुमेंस एसोसिएशन ने सन 26 में, ताकि लड़कियाँ जो हैं वो बिला झिझक नहीं लेकिन किसी के साथ कम से कम स्कूल तक तो जा सकें, कॉलेज तक तो जा सकें। तो इस माहौल में इनके वालदैन ने इनको ना सिर्फ जो है वो मैट्रिक तक की तालीम दी, बल्कि वो उस अजीम कॉलेज भेजा जहाँ से बहुत सारे इस्मत चुगताई जैसे लोग और कुरतलन हैदर जैसे लोग निकले, वो था आईटी कॉलेज, और बाद में जो हैं और लोग भी निकले जो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए ख़वातीन, जिसमें सज्जाद ज़हीर की बेगम साहिबा भी शामिल हैं और उनकी बहनें भी शामिल हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी में थीं। तो इस माहौल में जो है वो रशीद जहाँ जो हैं पली, और फिर वो मेरा ख्याल है अपने ज़माने में वाहिद, या शायद साउथ इंडिया में लोग होंगे लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान लड़कियां मेडिकल कॉलेज तो नहीं गई थी, ये वन ऑफ द फ्यू होंगी शायद, हाँ वन ऑफ द फर्स्ट मे बी इन साउथ इंडिया दे मे हैव बिन, उस्मानिया के वजह से, गो के उस्मानिया के भी मेडिकल कॉलेज औरतों के लिए बाद में खुला। तो ये आप मुझे बता रही हैं कि 10 मिनट रह गए, आप वहाँ बताइए मुझे ना बताइए, हाँ जी। तो नाउ ऑल दैट, बाकी बातें उनकी मुतहर्रिक होने की और उनके जद्दोजहद की हो चुकी है, ज़्यादा आपने भी बात की है। बात ये एक, आप और आपके जो साथी थे जन्म के साथी या शौहर नवाज़ादा, मैं उसी पे आ रहा था जी, मुझे नाम पता है, रामपुर से थे मैं जानता हूँ, और ये हाजरा जो जिनका नाम लिया, या उनकी रिश्तेदार थी और उनकी शादी जेड ए अहमद साहब से हुई थी जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, डब्ल्यू जेड अहमद साहब के भाई थे, और आपके कामिल खान मुमताज़ की फूफी थी, तो मैं सब रिश्ता जानता हूँ, तो क्यों आपके ख़ानदान को जानता हूँ तो उनको भी जानूँगा तो मैं वो जो थे उनका, वो और अहमद अली साहब और सज्जाद ज़हीर साहब ने, इन्होंने, और वो नौजवान थे ये लोग, अंगारे किताब निकाली, और एक्चुअली महमूद ज़फ़र साहब जो है उर्दू में नहीं लिखते थे, उनके जो उसमें है वो तर्जुमा हुआ है, और उसके ऊपर जो है बड़ा अताब हुआ कि ये जो है वो फहश तो नहीं है लेकिन ये कि मज़हब भी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो जन्नत की बशारत जो अफसाना था सज्जाद ज़हीर का, लेकिन उनका जो एक ताल्लुक़ रहा कम्युनिस्ट पार्टी से, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी बैन भी हो गई थी, क्योंकि जो है वो सारा सिलसिला जो था वो
टेररिज्म वगैरह का और भगत सिंह वगैरह का। कम्युनिस्ट पार्टी तो बाद में बहाल हुई 42 में, लेकिन अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी में वो शामिल रही। और जैसा कि कहा गया है कि लोगों को इकट्ठा करने में और कम्युनिस्ट तहरीक में लाने, फैज साहब का कम्युनिस्ट तारीख से, गो के वो कभी कार्ड कैरिंग मेंबर नहीं थे, ताल्लुक इनके यहाँ बना अमृतसर में जब महमूद जफर साहब वहाँ MA कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तासीर से भी वहीं मुलाकात हुई। तो ये सारा और उनका घर, और ये थोड़ा सा रक्षिंदा साहब ने, उनका घर जो है हमेशा खुला रहा। और फिर यूपी की सियासत में इन दोनों का बहुत बड़ा अहम किरदार था लोगों। अब आपका एक सवाल था कि ऐसी शख्सियात हैं और हमारे साथ ऊपर बैठी हुई हैं, तो और यहाँ भी बैठे हुए बहुत लोग हैं। फ़र्क यह है जो आपने ख़ुद कहा था कौसर, कि हमारा तंजीम नहीं है, और तंजीम के साथ उस तरह से जुड़ कर काम करना उसकी है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने तंजीम के साथ नहीं काम किया, लेकिन उसका तंजीम का होना और साथ साथ अपने तौर पे अदबी हवाले से और सियासी हवाले से और यानी कि मज़दूरों के साथ काम करना, लेकिन तंजीम की गाइडेंस और उसके साथ काम करना, ये तजुर्बा हमारे यहाँ कम अज़ कम हमारी बाद वाली नस्ल को कम है और हमें भी कम है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। गो के जो हिम्मत है और जिस जज्बे से हमारे यहाँ ख़वातीन ने ख़ास तौर पे 70-80 की दिहाई में काम किया है, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, और ज़ाहिदा साहबा बैठी हैं, आप बैठी हैं, और भी लोग हैं, वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, हम थोड़ा सा इससे पहले कि ज़ाहिदा से सुने जल्दी, हम उनसे कामरान से कहते हैं कि कॉम्बिनेशन अगर देखें, हमारे यहाँ एक्टिविस्ट हैं और वो लिटरेचर से भी जुड़ी हुई हैं, वो तहरीकों से भी जुड़ी हुई हैं, मगर हमने कहा ये डॉक्टर की खसूसियत कहाँ से आई। और एक इस पर बाद में इस पर गौर करने की बात है कि ये कॉम्बिनेशन हम लोग को लेफ्ट और सेंटर के लोग मिलेंगे, एक्टिविस्ट मिलेंगे, उसका अदब से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, वो हैं, मगर हमें उसकी तलाश थी। उस पर आखिर में कहेंगे एज पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, तुम्हें भी, हम भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में करते हैं, कि ये क्या, इसको कैसे समझें। मगर हमारे ख्याल से ये ज़ाहिदा आप अगर पढ़ के सुनाएं, क्योंकि वक्त नहीं, मैं इस वक्त मैंने खोला तो सफ़े खुल गए। उनका एक अफसाना है, इस्तखारा नाम है, और इसलिए मुझे इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है यहाँ सुनाने के लिए, कि आजकल हमारे यहाँ इस्तखारा ऑनलाइन, आलिम ऑनलाइन, और खुदा जाने क्या क्या ऑनलाइन है। तो ये एक ऐसी खातून के बारे में है जो, जिनके पहले भी बच्चे हो चुके हैं और जिन्हें इजाज़त नहीं है कि वो किसी लेडी डॉक्टर को दिखाया जा सके, इसलिए कि ये जो है ना इस्तखारा नहीं आता। तो अब सूरत हाल ये है कि उन खातून का हाल बहुत तबाह है, और वो बार बार ये कह रही हैं कि मुझे खुदा के वास्ते मेरे लिए डॉक्टर बुला दो, लेडी डॉक्टर बुला दो। तो खादिम अली के दो बीवियों से कोई बच्चा नहीं हुआ था और अभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ कुदरत ऐसी हुई कि कनीज हामला हो गई। खादिम अली की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो एक एक दिन बच्चे की पैदाइश का गिन रहे थे। जब वक्त करीब आने लगा तो दाई की तलाश हुई। जिस दाई के नाम का इस्तखारा निकला वो जाने माफ कीजिएगा, और जितने पूछकर दाइयों के नाम मालूम थे, वो जितने पूछकर मालूम हो सके इस्तखारे के सामने पेश कर दिए गए, लेकिन किसी का नाम कबूल ना हुआ। एक दिन किसी दोस्त ने एक अंग्रेज लेडी डॉक्टर का नाम लिया, खादिम अली ने इस्तखारा लिया तो उसका नाम निकल आया। जब मालूम हुआ कि उसकी फीस बहुत ज्यादा है, तो मजबूरन कमीज को अस्पताल में उसी डॉक्टर के जरिए इलाज दाखिल कराया गया। सब काम खूबी से हो गया। 10वें दिन कनीज बच्चे के साथ घर आ गई। साल भर के बाद कनीज फिर हमला हुई। इस दफा कनीज की तबीयत शुरू से ही खराब रहने लगी। मतली कैद, दर्द, तकलीफ, जच्चगी करीब आई। शुक्रिया। तो किसी ने कहा कि लड़का है शायद, इसलिए तकलीफ बहुत है। आखिर महीने में तो जर्दी आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन पर सूजन शुरू होने लगी, तो इलाज शुरू हुआ। इस दफा बार बार पूछने पर भी इस्तखारे ने किसी अस्पताल या लेडी डॉक्टर की इजाजत न दी। खादिम अली बहुत परेशान थे। कनीज की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। सूजन की तो ये हालत थी कि आंखें धस गई थीं, मुंह फूल कर दुगना हो गया था, पांव इतने भारी हो गए कि हिलाए न हिलते थे, और रंग की ये हालत थी कि खून का नाम न था।
उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था। खादिम अली रोज नए डॉक्टरों और नए हकीमों का नाम निकालते और जिनका नाम इस्तखारे में निकलता उनसे इलाज कराते, लेकिन किसी तरह फ़ायदा नहीं हो रहा था। खादिम अली रात दिन बीवी की तीमारदारी में लगे हुए थे, किसी किस्म का परहेज या घिन बीवी से न खाते थे। जब जच्चगी का वक्त आया तो एक जाहिल और गंदी दाई को आने की इजाज़त इस्तखारे ने दी। बच्चा तो हो गया लेकिन कनीस को अब जोर शोर का बुखार आने लगा जो किसी तरह उतरता ही न था। एक दिन कनीस ने बड़ी मुश्किल से कहा, खुदा के लिए अब आप इस्तखारा न कीजिए और जाकर उस मिस को ले आइए, इस मर्ज़ा वरना मैं मर जाऊंगी, इस्तखारे की तो यही मर्जी है। कनीस अब इतनी सख्त बीमार थी कि बचने की कोई उम्मीद न थी, लेकिन सांस है तो आस है। खादिम अली ने उम्र में पहली दफ़ा इस्तखारे के बग़ैर इजाज़त एक काम किया और वो ये था कि जाकर डॉक्टर को लेडी डॉक्टर को ले आए। जब डॉक्टर छोटे से घर में घुसने लगी तो खादिम अली हाथ जोड़कर बोले, हुजूर आप मेहरबानी करें वरना मैं बेमौत मर जाऊँगा, पहले भी आप ही के हस्पताल से अच्छी हुई थी, अब भी आप ही के पास आई है, आप ही से आस है। अच्छा बाबू तुम रोएगा नहीं, हम मरीज को देखकर बोलेगा कि क्या बात है। आखिर में ये औरत जो है ये ख़त्म हो जाती है, और ये इसलिए ख़त्म हो जाती है कि इस्तखारा नहीं आता था। तो इस अफसाने में आप देखिए तो उनकी जो मेडिकल प्रैक्टिस है, उनकी जो मेडिकल तालीम है वो आपको नज़र आती है, जहल नज़र आता है, और मज़हब किस तरह औरत को अपने चंगुल में जकड़े हुए था, और जो मोहब्बत करने वाले और बहुत अच्छे मर्द थे उनकी भी अक्लों को किस तरह जकड़े हुए था अपने चंगुल में। रशीद जहाँ उसको इस तरह इस कहानी के एक डेढ़ पैराग्राफ में बयान करती हैं, जिसके लिए हम तकरीरें करते रहें और भाषण देते रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रशीद जहाँ की ये जो कहानी है ये कौसर अभी उनकी मेडिकल जो वो थी तालीम जो थी उसका जिक्र कर रही थी कि ये कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि रशीद जहाँ ने आईटी से पढ़ने के बाद ये फैसला किया कि जब मैं उन्होंने जो गंदी बस्तियों में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर के तौर पे जो जाके देखा औरतों का हाल, तो उन्होंने ये तय किया कि मैं लेडी डॉक्टर बनूंगी और मैं इन औरतों के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ वो करूँगी। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद कौसर या रशीद जहाँ के पढ़ने वाले इस जवाब से मुतमईन हो सकें कि वो दरअसल एक इंतहाई कट्टर हमदर्द थी इंसानों की, औरतों की, और उसके लिए उन्होंने अपनी मेडिकल तालीम को और अपने कम्युनिस्ट कमिटमेंट को वो बनाया था, एक जरिया बनाया था जुड़ने का लोगों से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे ख्याल से बमुश्किल एक मिनट है, और नौशाबा ने कहा था कि वो एक ख़ास हैसियत से उन पर कुछ कहना चाहती हैं, तो माइक अगर दे दें इनको, माइक माइक है नौशाबा, आप माइक ले लें, एक मिनट है तो आप उसमें। ये आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा। अच्छा, ये जिक्र है 1940s के, मतलब शुरू का 1941-42 से 46 तक का। ये हम लखनऊ में रहते थे, मेरे अब्बा ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे वो, तो वो हम लोग बस रहते थे। और ये डॉक्टर रशीद जहाँ ने हमसे कहा था कि मुझे आपा भी कहो, खाला और चच्ची और पुप्पी के उससे मुझे और चढ़ होती थी, तो हम उन्हें आपा भी कहते थे। और आपा भी का जो वजूद था वो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपा भी का जो वजूद था वो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे कोई रोशन कोई सूरज हो या कुछ हो। और अभी भी बस उनसे, बस मुझे बहुत उनसे बहुत है, और मुझे इतनी खुशी है कि उनके लिए भी किताब लिखी गई, इसलिए मैं इस काबिल नहीं थी कि भाई उनके बारे में देखो या क्या। अच्छा, जैसे ये है ना कि उनके कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं था, वो जो कहती थी, जो उनका कमिटमेंट था वो करती थी। दबंग, बहुत दबंग शख्सियत के मालिक थी। पहला मैंने ट्राउज़र में उन्हें देखा, पहला गाड़ी चलाती हुए छोटी सी जो भी मॉरिस या क्या थी उनको देखा। मुझे वो छोटी सी मैं थी, मुझे वो लेती थी और लेके जाके मज़दूरों की बस्ती में जाती थी।
अब वहाँ पर सिर्फ से पहले उनके बाद जो खाने में जाती थी, हाँ भाई रात के चावल हैं फेंको इन्हें, और सच्ची फेंक देती थी, पैसे देती थी वो। फिर एक बच्चों की क्लिनिक करती थी, हर बच्चे के कान, सबसे पहले उनके कान देखती थी, पता नहीं कामरान बताओ क्या ज़रूरत है, सबसे पहले उनके कान देखती थी, फिर माओं का वो देखती थी कि भाई कौन सी माँ क्या कर रही है बच्चों के लिए और खुद क्या है, तो वो बात करती थी। अच्छा, उनका क्लिनिक उनके घर में भी था। अच्छा, फिर वो जो थी वो इस कदर बड़ी ह्यूमनिस्ट थी कि मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी पैसा वैसा लेती होंगे क्लिनिक से, सब उनके क्लिनिक में झुंड रहता था। अच्छा, मैं छोटी सी थी तो मेरा टॉन्सल्स का ऑपरेशन हुआ, तो मेरी अम्मी ने कहा था कि आपा मैं अपनी बच्ची आपसे लूँगी, तो इसलिए मेरे अब्बा वहाँ थे नहीं, तो ये बेचारी, ये इन्होंने 9 डॉक्टर बुलाए मुझे और मेरे लिए। उसके बाद 6 हफ्ते इन्होंने मुझे अपने घर रखा। अम्मी से कहा नहीं तुम इस काबिल नहीं हो, उस ज़माने में एंटीबायोटिक तो होते नहीं थे, तो तुम ये बच्ची मैं ले जाऊँगी, और जो मेरे लाड प्यार वो कर सकती थी उन्होंने किए। गुड़िया के कपड़ों के लिए एक सूटकेस निकाला, उसमें से उनका भारी जोड़ा था कटोर काट के, और वो मेरी गुड़िया का दुपट्टा बन गया। तो शुक्रिया नौशाद, हमारे ख्याल से आपके साथ एक अलग बैठक होनी चाहिए और यहाँ पे भी ताकि मिल बैठ के करें, क्योंकि इनका वक्त भी खत्म हो रहा है, उधर से इशारे हो रहे हैं। नहीं नहीं, उनका जो उनका जो कॉल ऑफ फेल में, मैं यही कह रही हूँ कि अच्छा बस इसमें आपके साथ बैठ के करते हैं। आखिर में बस हम एक ये कहेंगे कि जो विजनरी थी वो उससे जाहिर होता है कि औरतों डॉक्टर होते हुए औरतों की तकलीफ देके इशू, उस तरह की औरतों को हक तभी मिलेगा जब लार्जर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना है और वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए होना है। उनकी ये जो उनकी जो पॉलिटिक्स को उन्होंने अमली जामा पहनाया, हम लोग बहुत लोग हम पब्लिक सेक्टर में करते हैं, अब हम यही सोच रहे हैं किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के कोई भी इतना कमिटमेंट नहीं हो सकता। नहीं देखिए, वैसे कम्युनिस्ट पार्टी में और लोग भी थे, मगर यहाँ पे जिनकी खसूसियात होती कि एज अ फेमिनिस्ट उन्होंने औरतों के इशू देखे, उनके पास ये भी एहसास था कि उन औरतों की सेहत तभी बेहतर होगी जब पूरे माशरे में तब्दीली होगी। तो हमारे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इस पे खत्म करते हैं सारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन ऋतु तुम्हारा यहाँ पे आई हुई हो, कामरान और जाहिदा का, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।